सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा इंडिया बैंक के प्रबंधक पर खाते से 2 लाख रुपए के गबन का आरोप, भभुआ में एफआईआर दर्ज। इसे दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। भभुआ, जागरण संवाददाता। नगर के वार्ड 18 निवासी राकेश तिवारी ने सहारा इंडिया बैंक के नगर स्थित शाखा के प्रबंधक विद्याभूषण उपाध्याय के विरुद्ध गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने व बड़े भाई के खाते की रकम का गबन करने का आरोप लगाते हुए भभुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिकी को दिए आवेदन में राकेश तिवारी ने लिखा है कि उनके बड़े भाई मनोज तिवारी अप्रैल 2021 से रीढ़ की हड्डी रोग से ग्रस्त हैं। उनका इलाज वाराणसी के बाद दिल्ली में कराया जा रहा है। चिकित्सक ने ऑपरेशन करने की बात कही है। इसमें ज्यादा पैसा की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान में रखकर बीते मई माह में कंपनी के शाखा प्रबंधक से मिलकर कंपनी में जमा दोनों भाई की विभिन्न स्कीमों की 96,000 राशि, जो विभागीय नियम के अनुसार अब लगभग 2 लाख पहुंच चुकी है, उसके भुगतान करने की मांग की गई। लेकिन शाखा प्रबंधक टाल मटोल करते रहे। पुनः जुलाई माह में मिलकर भुगतान कराने की मांग करने पर प्रबंधक विद्याभूषण उपाध्याय ने भाई के इलाज से संबंधित कागजात की मांग की। समस्त कागजात लेने के बाद भी प्रबंधक कुल राशि का भुगतान करने में टाल मटोल कर रहे हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि वे राशि गबन करने की नियत से ही भुगतान नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध पूर्व में 2 मामले जालसाजी के विभिन्न लोगों के द्वारा दर्ज कराया जा चुका है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच कराई जा रही है। दीगर है कि सहारा इंडिया बैंक के भभुआ नगर स्थित शाखा से रुपए निकालने को रोज ही मारामारी हो रही है। कई उपभोक्ता अपने खाते से रुपए निकासी को लेकर रोज बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।